कोसन वाले हो, इस तरह तुसी भी कर सकते हो पंजाब नू चिंबड़े पंज वैरियां दा खात्मा। गुरु गोबिंद सिंह जी ने दसिया सी पंज वैरियां नू खत्म करन दा वड्डा गुण। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच भी कीता गया इस गल दा जिक्र। सत श्री अकाल, तुसी जुड़े हो NRI पंजाबी टीवी दे नाल। असी सरकारां नू कोसदे आ कि पंजाब नू चिंबड़े पंज वैरियां दा खात्मा कीता जावे, पर असी आप किन्ना क कुछ करदे आ? की तुसी इसदा जवाब दे सकते हो? सब तो पहले तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने खुद एक गल आखी है कि सानू पंजाब दे विच नहीं पूरी दुनिया दे विच इन्हां पंज वैरियां दा जेकर खात्मा करना है तो खुद अगे आना पवेगा। ये पंज वैरी केड़े केड़े ने, सब तो पहला थानू दस दें। सब तो पहला आती है गरीबी, अनपढ़ता, भुख, बीमारी ते बेरोजगारी। इन्हां पंज वैरियां नू जड़ तो खत्म करन दे लई गुरु साहब ने एक हुक्म दिता सी कि सानू अपनियां तनखाहां दे विचों दसवंध कढ़ना चाहीदा है। कि तुसीं वी दसवंध कढ़ दिओ। असल दे विच इह दसवंध हुंदा की है तुहानू उह वी दस दिया। जो आपां नू तनखाह मिलदी आ उह तनखाह दे विचों दसवां हिस्सा असीं कढ़ना हुंदा है, उह दसवां हिस्सा हुंदा है दुनिया दे विच जिहड़े इह वैरी पैदा हो गए ने इहनां दे खात्मे करन नू। ते वैरी उह नहीं कि साडी किसे नाल लड़ाई है ते उह साडा वैरी बन गया असीं उसनू खत्म करना है, नहीं। वैरी इह ने जो कि दुनिया दा जे कहीए तां कम खराब करन ते तुले होए ने, जिस दे विच गरीबी आ जांदी है, अनपढ़ता आ जांदी है, बेरोजगारी आ जांदी है, बीमारी आ जांदी है, भुख आ जाती है। जेकर असी अपनी तनखाह दे विचों दसवां हिस्सा कढ़दे आ, उह दसवां हिस्सा चाहे तो असी गुरु दे लंगर दे विच पा सकदे आ या फिर किसी गरीब की मदद दे लई दे सकदे आ, पर सानूं इह दसवंध जरूर कढ़ना चाहीदा है क्योंकि गुरु साहब ने खुद इस गल का हुक्म दिता है। उन्होंने यह वड्डा गुण सानूं दस्सिया सी कि जेकर तुसीं इन्हां पंज वैरियां का खात्मा करना चाहते हो तो तुहानूं सब तो पहला दसवंध अपनी तनखाह दे विचों कढ़ना पवेगा। तो जिहड़े पैसे हुंदे ने उन्हां पैसों नूं तुसीं चाहे गुरु दे लंगर दे विच पाओ, इह तुहाडी मर्जी है। चाहे किसी गरीब दी मदद करो, गरीबी खत्म होवेगी, अनपढ़ता खत्म होवेगी, बेरोजगारी, बीमारी, भुख जेकर खत्म होंदिया है तो जो दुनिया के वैरी है वह खुद ब खुद खत्म होने लग गए, तो हर कोई सुख की जिंदगी जिहड़ी है वह दुनिया के विच बतीत करन लग जाएगा। हुण सवाल साडा तुहाडे कोलों है कि तुसीं दसवंध कढ दिओ। जेकर नहीं कढ दिओ तो एक बार तुसीं जरूर दसवंध कढ के देखो, तुहाडे दिल नूं भी खुशी मिलेगी। जब तुसीं किसी की मदद कर दिओ तो सचमुच अपने दिल नूं बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो गुरु साहिब का यह जो हुक्म से, कई लोग अज के समय के हुक्म नूं जरूर मानते हैं, तो जिहड़े लोग नहीं मानते वह जरूर इस गल नूं जिहड़ा है अपनी जिंदगी दे विच एक बार अपना के देखियो। तुहानूं बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा क्योंकि तुहानूं लगेगा कि साडे कारण किसी की मदद हुई है, इस तो वड्डा पुन का काम कोई भी नहीं मनिया जाता। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच भी इस गल का जिक्र किया गया है कि सानूं अपनियां तनखाहां दे विचों दसवां हिस्सा जरूर कढ़ना चाहिए है। मान लो कि जेकर साडी 10,000 तनखाह है तो 1,000 रुपया दसवां हिस्सा बन जाता है, वह सानूं किसी की मदद के लिए जरूर कढ़ना चाहिए। कई लोग अज के समय के गुरु साहिबान के लंगर के पैसे दे देंदे ने, उस लंगर के जरिए बहुत लोगों का जिहड़ा है ढिड भरदा है, बहुत लोगों जिन्हों रोटी नसीब नहीं होंगी, जिहड़ा वैरी असी भुख दस्सिया सी उस दे नाल मिट जाता है। फिर जेकर कोई गरीब पढ़ लिख नहीं सकता, असी उसकी मदद कर सकते हैं। खास करके अनपढ़ता तो बेरोजगारी बहुत व्डे वैरी ने साडे, जेकर असी पढ़ते लिखते नहीं हैं सानू काम कार नहीं मिलेगा, तो खुद ब खुद दुनिया के अजिहे लोग आते रहेंगे जिहड़े कि दुनिया से सिर्फ आए ने पर अपने आप के लिए भी वह लोग काम नहीं कर सकते, अपने परिवार को भी सही तरीके जिहड़ा है पाल नहीं सकते। गरीबी, अनपढ़ता, भुख, बेरोजगारी ते बीमारी, जेकर असी अपने ना पंज वैरियां नू दुनिया चो खत्म करना है तो सानू दसवां हिस्सा यानी कि दसवंध जरूर कढ़ना चाहिए। जेकर तुहानू यह वीडियो चंगी लगी होवे तो इसनू वध तों वध शेयर करो, तो एक बार इस चीज़ को अपनी जिंदगी दे विच अपना के भी वेखो, तुहानू बहुत चंगा लगेगा।